पाकिस्तान में एक और दहशतगर्दी के पीछे भारत निकला। 23 जून 2021 जौहर टाउन लाहौर धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। बलूचिस्तान से गिरफ्तार मरकजी मुलजिम समीउल हक रॉ का एजेंट निकला। एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब कहते हैं तहकीकात में सबसे पहला किरदार पीटर डेविड था। सज्जाद हुसैन, जिया और ईदगुल मुलजिमान में शामिल थे। ईदगुल ने गाड़ी में धमाका खेज मवाद रखा, उसकी अहली अभी वाकये में मुलव्वस थी। वज़ीर आज़म मुल्की तरक्की के लिए मुतहर्रिक, शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सखर मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। M6 मोटरवे 306 किलोमीटर पर मुहित, संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान की बुनियाद सूबों की इकाइयों पर है, इकाइयों का ख्याल न रखा तो कायद के पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। पसमानदा सूबों को तरक्की की राह पर लाने की जरूरत है, गवादर बंदरगाह को भी फाल करना चाहिए। गुज़श्ता 4 साल सखर हैदराबाद मोटरवे के मंसूबे पर कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है साबिक वफाकी हुकूमत की कोई बात नहीं करता, ना उनसे उम्मीद थी। मंसूबे का संगे बुनियाद तारीखी अहमियत का हामिल है, मंसूबे की नौकरियां मकामी अफराद को मिलनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देने के लिए 350 अरब रुपए दरकार हैं, जिसका तीसरा हिस्सा वर्ल्ड बैंक देगा। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान की नई पेशगोइयां, कहते हैं आम इंतखाबात आइंदा बरस मई या जून में होंगे। इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग जहनी मरीज बन चुके। इमरान खान जैसे जहनी मरीजों के लिए जड़ी बूटियां काश्त कर रहा हूं। बिलावल शादी अपनी मर्जी से करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम भी जरूर बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नैब तरमीम उस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हो सकी। मसला सिर्फ करप्शन का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सवाल यह है कि करप्शन का सद्देबाप किसने और कैसे करना है। वकील ख्वाजा हारिस बोले करप्शन खत्म करना एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत ने मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। और साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का मामला। शौकत सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट में केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त। जनवरी 2023 से शुरू होने वाले हफ्ते में केस की समाअत की जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी की इस्तदा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ केस की आखिरी समाअत जून 2022 में हुई थी।